दोस्तों आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जो अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों, समझदार लोगों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं यूरोपीय देश आयरलैंड की। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आयरलैंड के बारे में कुछ खास रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में स्थित आयरलैंड ब्रिटेन और आइसलैंड के बाद यूरोप का तीसरा और दुनिया का 20वां सबसे बड़ा आइलैंड यानी द्वीप है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित इस द्वीपीय राष्ट्र का सबसे निकटतम पड़ोसी देश ब्रिटेन है। इस देश का क्षेत्रफल 70,273 वर्ग किलोमीटर है, वही इसकी जनसंख्या लगभग 53 लाख है। दोस्तों आयरलैंड का जनसंख्या घनत्व 714 व्यक्ति प्रति 10 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों एक मजेदार बात ये भी है कि आयरलैंड में जितने लोग रहते हैं उससे कहीं ज्यादा आयरिश लोग दूसरे देशों में रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आयरलैंड मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है, पहला रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और दूसरा नॉर्दर्न आयरलैंड। दोस्तों एक तरफ जहां रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक स्वतंत्र देश है और इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर डबलिन है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न आयरलैंड ब्रिटेन का हिस्सा है जिसकी राजधानी बेलफास्ट है। दोस्तों आयरलैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज आयरिश और इंग्लिश है, हालांकि यहाँ मात्र 10% लोग ही आयरिश बोलते हैं। अन्य देशों की तरह आयरलैंड पर भी ब्रिटेन का कब्जा रह चुका है। 29 दिसंबर 1937 को आयरलैंड ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ था, जबकि 18 अप्रैल 1949 को इसका संविधान लागू हुआ था। दोस्तों आयरलैंड एक क्रिश्चियन बहुल देश है, यहाँ की 85.1% आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, जबकि लगभग 11% आबादी किसी धर्म को नहीं मानती है। इकोनॉमी के मोर्चे पर देखें तो आयरलैंड की नॉमिनल जीडीपी $564 बिलियन है, वहीं जीडीपी पर कैपिटा $1,06,059 है। चूंकि आयरलैंड यूरोपीय यूनियन का सदस्य देश है इसलिए यह देश करेंसी के तौर पर यूरो का प्रयोग करता है। दोस्तों आयरलैंड अपनी हरियाली के लिए बहुत मशहूर है। पूरे देश भर में 44 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, जो आयरलैंड के कुल क्षेत्रफल का 11% है। चारों तरफ फैली इस हरियाली के कारण ही इस देश को एमराल्ड आइजल उपनाम दिया गया है। दोस्तों हरियाली के साथ साथ इस देश में नदियां और झीलें भी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद है। आयरलैंड की सबसे लंबी नदी शैनॉन नदी है, जो 360 किलोमीटर लंबी है। ये नदी देश के 20% लोगों की प्यास बुझाती है। दोस्तों आयरलैंड के बारे में खास बात ये है कि अगर आपके अपने बड़े बुजुर्ग यानी आपके दादा दादी आयरलैंड के रहने वाले हैं तो आप भले ही किसी और देश में पैदा हुए हों, लेकिन फिर भी आपको आयरलैंड की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों आयरलैंड के झंडे और हमारे भारतीय तिरंगे में बहुत समानताएं हैं। दोनों देशों के झंडे में एक जैसे 3 रंग मौजूद हैं, हालांकि आयरलैंड के झंडे को बनाने की प्रेरणा फ्रांस से ली गई थी। दोस्तों विश्व में आयरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम द हार्प नामक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। दोस्तों आयरलैंड भले एक हरा भरा देश है लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत ठंडा है। इसी ठंडे वातावरण के कारण इस देश में सांप बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक जहाज टाइटैनिक के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। अपनी पहली यात्रा में डूब जाने वाला टाइटैनिक भले ही एक ब्रिटिश यात्री जहाज था, लेकिन इसे बनाया उत्तरी आयरलैंड के एक शहर बेलफास्ट में गया था। इतना ही नहीं, डूबते हुए टाइटैनिक की आखिरी कॉल भी आयरलैंड के बंदरगाह पर ही की गई थी। दोस्तों आयरलैंड के एथलॉन शहर में सीन्स बार नामक शराबखाना स्थित है। यह बार 900 में शुरू किया गया था और आज 1000 वर्षों के बाद भी यह अस्तित्व में है। दोस्तों ज्यादातर आयरिश लोगों के नाम में मैक और ओ शब्द जरूर लगा होता है। आयरिश भाषा में मैक का मतलब होता है सन ऑफ और ओ का मतलब होता है डिसेंडेंट ऑफ। दोस्तों आयरलैंड उत्तरी ध्रुव से नजदीक है, इसलिए नॉर्डिक देशों की तरह यहाँ भी रात के समय नॉर्दर्न लाइट्स का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। अगर आप आयरलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर के आसपास इस देश में घूमने जाना चाहिए। दोस्तों हमारे देश में किसी भी लेखक के लिए बेस्ट सेलर बनना आसान नहीं होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आयरलैंड में एक बेस्ट बुक सेलर बनने के लिए लेखक को अपनी पुस्तक की केवल 3,000 प्रतियां बेचना ही पर्याप्त होता है। यही नहीं, अगर आयरलैंड में किसी गाने की 5,000 प्रति बिक जाए तो वह आयरलैंड का बेस्ट गाना होता है। दोस्तों जब भी किसी हॉरर मूवीज या नॉवेल की बात होती है तो काउंट ड्रैकुला के चर्चा के बिना वो अधूरी है। आज जितनी भी वैम्पायर बेस्ड मूवीज बनती हैं, उन सभी की प्रेरणा ड्रैकुला नॉवेल से ही ली गई होती है।
आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि विश्व प्रसिद्ध हॉरर नॉवेल ड्रैकुला के लेखक बैम स्टोकर भी आयरलैंड के ही रहने वाले थे। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना लाइट हाउस भी आयरलैंड में ही है। सन 1172 ईस्वी में बने इस लाइट हाउस का नाम हुक लाइट हाउस है और हैरानी की बात यह है ये लाइट हाउस आज भी पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में है। दोस्तों, आयरलैंड एक ऐतिहासिक जगह है जहां कम से कम 20,000 छोटे बड़े कैसल्स यानी महल मौजूद हैं। इन महलों के बारे में कहा जाता है कि अगर आप प्रतिदिन एक कैसल्स को भी विजिट करते हैं तो आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी इसे देखने में ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप में मनाया जाने वाला त्योहार हैलोवीन की शुरुआत आयरलैंड में ही हुई थी। दरअसल आयरलैंड के लोगों का मानना था कि नए साल के शुरुआत के पहले उनके मरे हुए पूर्वज साल में एक दिन धरती पर आते हैं। इसी मान्यता के कारण आयरिश लोगों ने अपने पूर्वजों की याद में हैलोवीन की शुरुआत की थी, जो बाद में पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। इसके अलावा यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव सेंट पैट्रिक्स डे है, जो हर साल 17 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, हम भारतीय जहाँ भी जाते हैं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा ही लेते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री लियो वराटकर भी भारतीय मूल के हैं। उनके पिताजी का नाम अशोक वराटकर है और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। साल 1960 में वो आयरलैंड चले गए थे। दोस्तों, दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की नौसेना भी एक आयरिश व्यक्ति विलियम ब्राउन की देन है। अर्जेंटीना में विलियम ब्राउन को एक राष्ट्रीय नायक और फादर ऑफ द अर्जेंटीनी नेवी के रूप में सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, आयरलैंड में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप इस देश की वास्तविक खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आपको वाइल्ड अटलांटिक वे पर कार ड्राइव करनी चाहिए। वाइल्ड अटलांटिक वे दुनिया का सबसे लंबा तटीय मार्ग है। लगभग 2500 किलोमीटर लंबा यह मार्ग इनिशोवेन प्रायद्वीप से शुरू होता है और कॉर्क काउंटी में किन्सले तक जाता है। इस मार्ग पर ड्राइव करते हुए आपको पहाड़ों की चोटियां, दलदल, खेत, झीलें और समुद्र भी देखने को मिलेंगे। एक लाइन में कहें तो आप इस मार्ग पर ड्राइव करते वक्त पूरे आयरलैंड को अच्छे से देख पाएंगे। दोस्तों, आयरलैंड के बारे में कहा जाता है कि आज के समय में धरती पर जितने ध्रुवीय भालू जीवित हैं, अगर उनके पूर्वजों का पता लगाने की कोशिश करें तो ये सभी आयरलैंड में 50,000 पहले जीवित एक भूरी मादा भालू के बच्चे निकलेंगे। दोस्तों, आयरलैंड जितना खूबसूरत देश है उतना ही इस देश की एक सच्चाई कड़वी और घिनौनी है। इस देश की लगभग 70% शादीशुदा महिलाओं का दूसरे पुरुषों के साथ अवैध संबंध होता है, यानी इस देश की हर 10 में से 7 महिलाएं अपने पति या प्रेमी को धोखा देती हैं। दोस्तों, आयरलैंड एक सुंदर और खूबसूरत देश है जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। चाहे आप प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना चाहते हो, शहरों की खोज करना चाहते हो या इतिहास और संस्कृति के बारे में जानना चाहते हो, आयरलैंड आपको कभी निराश नहीं करेगा। यहाँ बहुत सारी घूमने की जगहें भी मौजूद हैं, जिनमें से आयरलैंड के काउंटी मैथ में स्थित बॉयने वैली सबसे प्रमुख है। यहाँ बड़े पैमाने पर महापाषाण प्राचीन युग से जुड़ी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ कुछ कब्र भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कब्रें इंग्लैंड में स्टोनहेंज और मिस्र में गीजा के पिरामिड दोनों से ही पुरानी है। इसके अलावा रिंग ऑफ कैरी, क्रेगी वेस्ट कोस्टलाइन में स्थित द क्लिफ्स ऑफ मोहर, अरन आइलैंड्स, द बरेन नेशनल पार्क, द रॉक ऑफ कैशल, डाउनहिल बीच, डबलिन सिटी इत्यादि भी आयरलैंड के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेज हैं, जहां आपको जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप आयरलैंड जाना चाहते हैं तो आप नई दिल्ली से डबलिन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। आयरलैंड जाने के लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट और आयरलैंड का वीजा होना चाहिए, साथ ही आपके बैंक अकाउंट में भी अच्छा खासा बैलेंस होना चाहिए, तभी आप आयरलैंड को अच्छे से घूम पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे आयरलैंड के बारे में कुछ खास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको ये जानकारी कैसे लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।